विराम के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पांचवें चरण के चुनाव की, जिसमें 7 राज्यों के 51 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और झारखंड के 4 सीटों पर चुनाव है। और यहां पे अब हम बात करने वाले हैं कोडरमा सीट की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 5 है। तो कोडरमा के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे 16,39,629 कुल मतदाता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 8,70,016 है और महिलाओं की संख्या 7,69,613 है। यहाँ के वर्तमान विधायक रविंद्र राय, जो बीजेपी के हैं, वो उन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और वहाँ से जो हमेशा से एक कद्दावर नेता JVM के जो हैं बाबूलाल मरांडी, वहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2014 चुनाव में मोदी लहर में उनकी भी हार हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोडरमा से जो विधायक थी RJD की अन्नपूर्णा देवी, वो पाला बदलते हुए BJP में गई हैं और BJP ने उन्हें टिकट दिया है, सांसद वाला यानी कि MP का टिकट उनको दिया है। तो ये जो चुनाव है, कोडरमा को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यहाँ भी कहा जा सकता है कि कोई ना कोई फैक्टर काम करेगा, और जिस तरीके से 3 वहाँ पे प्रत्याशी जी, बिल्कुल, मैंने राजकुमार के बारे में बोलना, मजबूती के साथ वहाँ पे खड़े हैं जी। हालांकि जीत किसकी होगी, कौन वोटर किस तरफ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से BJP की तरफ से सिटिंग कैंडिडेट थे रविंद्र राय को हटाकर अन्नपूर्णा देवी, जो RJD की प्रदेश अध्यक्ष थी, पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो वो एक फैक्टर है कि BJP किस तरीके से उसको पूरी तरह से जो अपना वोट बैंक है उसको बचा पाती है, रोक पाती है, वो एक बातचीत चर्चा के दौरान मैं करूँगा। दूसरी बात ये आ रही है कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का भी पुराना सीट रहा है, बाबूलाल मरांडी ने पहले भी वहाँ से जीत हासिल की है और उनका एक वोट बैंक है वहाँ पे। अब महागठबंधन का अगर बातचीत की जाए वहाँ पे, तो महागठबंधन के रूप में वहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन फैक्टर तब आता है जब राजकुमार यादव की हम चर्चा करते हैं, और राजकुमार यादव जिस तरीके से लेफ्ट से जो महागठबंधन के बीच में अगर शामिल हो जाते तो शायद ये थोड़ी आकलन करना और आसान हो जाता हम लोगों के लिए। लेकिन उनके मैदान में कूदने के बाद से ही कहा जा सकता है कि कोडरमा का चुनाव भी दिलचस्प हो गया। तो ये माफ कीजिए, त्रिकोणीय मान रहे हैं इसको? नहीं, त्रिकोणीय अभी भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुकाबला अगर होगा तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि NDA और UPA के बीच ही का है। हालांकि राजकुमार यादव, राजकुमार फैक्टर नुकसान कर सकता है। राजकुमार यादव को पिछली बार बड़ा वोट मिला, 2,66,000 के आसपास वोट मिला था उनको, तो पिछली बार उनको वोट काफी मिला था। और उस समय रविंद्र कुमार राय को 3,65,000 यानी कि लगभग 1,00,000 वोट से वो जीते जरूर थे। तो वो जो फैक्टर है वो किस तरफ जाएगा, किस तरीके से होगा और किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, इस पर अभी आकलन करना आसान तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी वोटर जब वोट देकर निकलेंगे और एक रुझान जब दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से लोग वोट दे रहे हैं और किस तरीके से लोग मतदान के दौरान अपनी चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं, तो वोट देकर निकलने के बाद थोड़ा बहुत आकलन किया जा सकता है। कोडरमा जैसा इलाका है, मुद्दे काफ़ी गंभीर हैं वहाँ के, उस इलाके के, और उस इलाके में जब मुद्दों की बात करते हैं तो कई चीज़ें आती हैं, नक्सलवाद का मामला है, माइंस का मामला है, रोजगार को लेकर अभी भी जद्दोजहद चल रही है, तो ये सारी चीज़ें उस इलाके में भी फैक्टर के रूप में काम करेंगी और लोग कहीं ना कहीं जागरूक हैं, जानकर समझकर वोट देंगे, तो इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। एक सवाल मेरे जहन में आ रही है कि अक्सर सुना गया है कि कोडरमा में BJP ने आत्मघाती कदम उठाया, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो सिटिंग MP थे रविंद्र राय को हटाकर दूसरी पार्टी से लाकर, और जो कोडरमा की विधायिका है, विधायक RJD की तरफ से, वो वहाँ पर सांसद के लिए खड़ी है। तो क्या लगता है कि ये जो कदम है तो आत्मघाती कदम होगा या फायदा होगा? देखिए, चुनाव के दौरान मुझे जहाँ जो अनुभव है, मेरा जो अपना अनुभव है, राजनीतिक लोगों से मेरी बातचीत भी होती है, चुनाव के दौरान कई चीज़ें काम करती हैं, जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं, रणनीति तय होती है, सर्वे किया जाता है, लोगों से फीडबैक लिए जाते हैं, कई एजेंसियों से फीडबैक लिए जाते हैं, पार्टी का अपना फीडबैक होता है, कैडर का अपना फीडबैक होता है, सरकारी मशीनरी से भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जानकारी सामने आती हैं। इन सारी चीज़ों को बीच देखकर अगर किसी प्रत्याशी की बात की जाती है तो सारा चीज़ आकलन के बाद ही किया जाता है। मुझे लगता है कि BJP जैसी बड़ी पार्टी, जब अन्नपूर्णा देवी को टिकट देने की चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कहीं ना कहीं फैसला लिया गया होगा कि किस तरीके से अन्नपूर्णा देवी जातिगत समीकरण में, राजनीतिक दृष्टिकोण से और पार्टी के दृष्टिकोण से इन सारी चीज़ों पर फिट बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, इन सारी चीज़ों का आकलन जरूर किया गया है।
अब रह गई बात जिस बात का आप जिक्र करना चाहते हैं कि रविंद्र राय जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनको वहाँ से टिकट काट दिया गया है, यानी कि भीतरघात की भी थोड़ी संभावना दिखाई पड़ती है। हालांकि रविंद्र राय पुराने नेता हैं, कदावर नेता माने जाते हैं राज्य के, और बड़े ही सुलझे हुए नेता के रूप में जाने जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उन लोगों के साथ मेरी जो बातचीत होती थी उस जमाने में जब प्रदेश अध्यक्ष के थे या फिर जब सांसद बने, तो बड़ा सुलझे, पार्टी के स्तर पर बड़ी ही ठोस रणनीति के तहत काम करने वाले जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति जो पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार रहते थे, तो उस तरीके का मेंटेलिटी है। तो मुझे लगता है कि भीतरघात की संभावना उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। अब उनके लोग जिस तरीके से हैं वहाँ पे, अगर नाराज़गी थोड़ी होगी तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाली होगी कि किसी तरह का भीतरघात नहीं हो। तो दिलचस्प मुकाबला होगा, इन सारी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें राजकुमार यादव भी फैक्टर बनेंगे, और भीतरघात की जब बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उस बात को भी बारीकी से देखा जाएगा कि कितना भीतरघात होता है। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जातिवाद, तो जातिवाद की बात अगर की जाए तो ऐसे में होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अमूमन सभी जगह पे देखा जाता है कि जाति वालों को लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि राजकुमार यादव और अन्नपूर्णा देवी दोनों एक ही जाति से आती हैं, तो इसमें राजकुमार यादव किसको नुकसान पहुँचाएंगे, क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचाएंगे? देखिए, ये तुरंत कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजकुमार यादव अगर नहीं लड़ते चुनाव तो यूपीए फोल्डर में होते, यूपीए फोल्डर से अगर चुनाव लड़ते तो महागठबंधन के साथ लड़ते, तो उस दृष्टिकोण से बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं यूपीए को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं कि यूपीए का जो वोट है, जो पूरा यूपीए एक जगह जाता, वो राजकुमार यादव के लिए कुछ ना कुछ कटेगा। अब जातिगत की जहां तक बात है तो यादव समाज में दोनों की एक अच्छी पकड़ कही जा सकती है, और जब फिर बातचीत आएगी कि आखिर किसको कौन उनमें दोनों में से कौन बेहतर, तो उस पर भी जातिगत में बातचीत की जाएगी। तो यादव समाज में इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। आपने देखा होगा कि चतरा की सीट पे जब जैसे मनोज यादव और ये सुभाष यादव दोनों जब मैदान में थे तो उस समय भी जातिगत बात आ रही थी, उसका फायदा सीधे सीधे मुझे लगता है कि बीजेपी को मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा नुकसान होगा, लेकिन जब हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे गौर जरूर करते हैं, लेकिन इस मंच से सारी चीज़ों को पूरी तरह से बोलना भी उचित नहीं होता है। और अभी फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मुकाबला दिलचस्प है, वोटर वोट दे के निकलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ। ऐसे राजनीतिक के हलकों में और जो इसके जानकार हैं उनका कहना है कि राजकुमार यादव को यूपीए ने रणनीति के तहत उठवाया। देखिए, ये सारी चीज़ें आ रही थी कि कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, किसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसको देखकर भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। लेकिन राजकुमार यादव ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी लोगों के कहने पे या किसी का अपने विवेक से अपना जो राजनीतिक करियर है उसको ख़त्म करना चाहेंगे। तो मुकाबला दिलचस्प है, खास करके कोडरमा का, और जिस तरीके से आप बातचीत जानना चाह रहे हैं कि रिजल्ट की ओर, तो शायद रिजल्ट की ओर जानना अभी संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एक चीज़ तब क्योंकि अब तो वक्त भी कम है, अब बाबूलाल मरांडी की हम लोग बात नहीं की, क्योंकि बाबूलाल मरांडी एक कद्दावर नेता है और राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है कोडरमा से, हमेशा वो जीतते भी हैं, 2014 में वो हारे थे। तो अभी क्या लगता है कि कोडरमा में बाबूलाल की या फिर झारखंड के परिदेश में देखा जाए तो कितने वो किस तरह के नेता रह गए? देखिए, बाबूलाल की छवि काफ़ी अच्छी है, लोगों के बीच प्रचलित हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मेरे कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब बाबूलाल के साथ मुझे कई इलाकों में जाने का मौका भी मिला है, और लोगों के बीच जब पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बाबूलाल बड़े ही सीधे साधे स्वभाव में बातचीत करते हैं, एग्रेशन से बातचीत नहीं होती है लोगों को। मुझे लास्ट जहां तक याद है कि जो उपचुनाव हो रहा था घूमिया वाला, उस समय जब उस इलाके में दौरा कर रहा था तो जब अचानक से मुलाकात हो गई, कहीं पर छोटी सी सभा हो रही थी, उस दौरान सबसे ज़्यादा उन्होंने जिक्र किया था वो सबसे पहले कि आखिर भूख कैसे ख़त्म किया जा सकता है, लोगों को भूख से कैसे पहुंचाया जा सकता है अनाज उन तक, ग्रामीण लोगों को, गरीब लोगों को, इस बात का जिक्र उस इलाके में वो कर रहे थे, उस पर उनकी चर्चा हो रही थी। तो उनका एक स्वभाव, उनका एक नेचर ये इस तरह का देखा गया है। पहले भी कई जगहों पे गांडे जैसे इलाके में पिछले चुनाव में मैं उनके साथ था, उस इलाके में भी उनकी पहुँच थी, ग्रामीण इलाकों में उनकी पहुँच थी, जहाँ भी जाते थे बड़ी संख्या में लोग सामने आते थे, तो उनकी बात सुनने को भी तैयार हैं, लोग मानते भी हैं उनको, और राज्य के हित में उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, ऐसा जो आकलन अभी तक हुआ है।
तो हो सकता है कि उनको जो फायदा मिलना चाहिए मिलेगा, लेकिन चुनाव है, वोटर जागरूक है, बदलता समय है, बदलाव का दौर है, और किस तरीके से वोटर जागरूक होकर मतदान करते हैं, कितना प्रतिशत वोट आता है, और साथ साथ लोग किस तरीके से मुद्दों को देखते हैं, देश को देखते हैं, प्रत्याशी को देखते हैं, इन सारी चीज़ों को फैक्टर लेकर चुनाव लड़ा जाता है। बिल्कुल, इन सारी फैक्टर्स पे ही चुनाव लड़ा जाता है। बदलाव का समय है और युवा बदलाव चाहते हैं। अब तो ये देखना होगा कि 23 तारीख के बाद क्या होता है। फिलहाल सबरंग समाचार की तरफ से आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जहां भी हैं मतदान जरूर करें। मतदान आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार से पीछे नहीं हट सकते। फिलहाल यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खूंटी लोकसभा सीट जो सुरक्षित सीट है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से विराम के बाद।